दोस्तों नमस्ते। दोस्तों मैं डॉक्टर नित्यानंद। दोस्तों आज हम लोग एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम जो अक्सर क्लिनिक में आती है, वार्ट्स, जिसको इल्ला भी कहते हैं, मस्ता भी कहते हैं, उसका कारण क्या होता है, उसका होम्योपैथी में क्या इलाज है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। इपिथीलियल सेल पे एक ग्रोथ हो जाती है, ओवर ग्रोथ हो जाता है, उसी को हम लोग मस्ता बोलते हैं या इल्ला या वार्ट्स बोलते हैं। तो दोस्तों इसमें होता क्या है, इसका कारण होता है एक वायरल इन्फेक्शन जिसका नाम है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, उसकी वजह से मस्ता होता है। तो दोस्तों इसमें कौन सी ऐसी होम्योपैथी मेडिसिन है जो मैं अपने आप फ्रिक्वेंटली यूज करता हूं। पहली मेडिसिन थूजा वनियम, सप्ताह में एक बार दे दोस्तों। जब वार्ट्स जो है क्रॉप्स गुच्छे में हो, कई सारे वार्ट्स हो, स्पेशली हाथों पे और सर पे, तो उसमें थूजा वनियम बहुत अच्छा काम करती है। दूसरी जो मेडिसिन है एसिड नाइट्रिक 30 क्या होती है, स्पेसिफिक मेडिसिन है अपर लिप पे इल्ले की, लेकिन लोअर लिप के भी इल्ले पे अच्छा काम करती है। और इसके साथ साथ इसका एक और लक्षण है, पेशेंट जब उसको छूता है तो इजीली आसानी से ब्लड आ जाता है, उसी को हम लोग क्या करते हैं, एसिड नाइट्रिक 30 सुबह दोपहर शाम देते हैं। नेक्स्ट जो मेडिसिन है दोस्तों एंटीम टाट 30 सुबह दोपहर शाम ले। जब मस्सा ग्लांस पेनिस के अगला हिस्सा जो रेड पार्ट होता है उस पर अगर मस्सा हो तो एंटीम टाट 30 बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। नेक्स्ट जो मेडिसिन है नेट्रम्यूथ 30 चार गोली सुबह दोपहर शाम, जब पॉम पे हाथों के हथेली पे मस्सा हो तो नेट्रम्यूथ 30 सुबह दोपहर शाम चार गोली ले। और दोस्तों एक और मेडिसिन है, जब वार्ट्स को छूने पे बहुत सेंसिटिविटी रहे, पेन रहे, तो नेट्रम कार 30 बहुत अच्छा वर्क करती है। इसमें मैं एक चीज और ऐड कर दूं दोस्तों, जो मैं अपने यहाँ अक्सर क्लिनिक में अगर हैंड के पिछले हिस्से पे वार्ट्स रहता है तो नेट्रम कार 30 देता हूँ और रिजल्ट ठीक ठाक अच्छा मिल जाता है। थैंक यू।